महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय। जरा हटके मैं आपके पास लाए हैं आचार्य श्री के बारे में कुछ खास बात। दृश्य देख रहे हैं आप इस समय भव्यतम प्रवेश इंदौर की धरा पर। 5 जनवरी 2020 को बीच में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया और 317 दिन का इसी धरा पर इनका प्रवास हुआ आचार्य श्री का। 53 साल के दीक्षा काल के अंदर सबसे लंबा प्रवास कहते हैं, अवभाग्य हो गया, सौभाग्य हो गया इंदौर की धरा का। 13 मंदिरों का पंच कल्याण हो गया, 1600 बच्चों के लिए एक हॉस्टल वाला स्कूल खुल गया, एक संत निवास हो गया, रोजगार के लिए हथकरघा के कई कार्यक्रम हो गए और कई अन्य कार्यक्रमों भी कहते हैं ऐसा आचार्य श्री ने ये तक कहा यहां पर कि अब इस धरा पर आचार्य नहीं भगवता भगवान यहां पर आएंगे। इन 11 महीनों के प्रवास में उनके 11 बहुमूल्य संदेश थे पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, हित के लिए। ब्रह्मचारी सुनील भैया ने बताए वही 11 अनमोल संदेश आज आपको दिखाते हैं। कहते हैं हृदय में उतार लीजिएगा क्योंकि इनसे जीवन का उद्धार हो सकता है। यह अनमोल 11 संदेश। पहला, हथकरघा और हस्तशिल्प आज देश में रोजगारों के अवसर पैदा कर रहा है, इससे देश का उद्धार होगा। दूसरा, व्यक्ति मकान तो अकेला बना लेता है पर मंदिर बनाने की आज तक किसी ने नहीं सोची। मकान स्वयं का होता है किंतु मंदिर जन जन का होता है। तीसरी बात, सपने अंग्रेजी में नहीं आते हैं इसलिए सभी को मातृभाषा हिंदी का ही उपयोग करना चाहिए। चौथा संदेश, इंडिया नहीं भारत बोलो। इंडिया पराधीनता है और भारत में स्वतंत्रता है। पांचवा संदेश, गोधन भारत की एकमात्र शक्ति है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक गाय के दूध का सेवन करता है और गाय मां बहुत शक्तिशाली है। छठा संदेश, परिवार के सारे सदस्य मिलकर एक गाय को नहीं पाल सकते हैं लेकिन एक गाय पूरे परिवार को दूध गोबर व मूत्र के द्वारा पाल लेती है। सातवां संदेश, ईंट सीमेंट से बने मंदिर का की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की होती है पर पत्थर यानी पाषाण से बने मंदिर की उम्र 1 से 2000 वर्ष की होती है। आठवां संदेश, मंदिर में इंसान द्वारा बनाए गए भगवान रहते हैं, मकान में भगवान के द्वारा बनाए गए इंसान रहते हैं। नवा संदेश, जीवन में 2 समय का भोजन एक समय में कर लेना किंतु भगवान की एक प्रतिमा मंदिर में जरूर विराजमान करना, इससे अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। 10वां संदेश, संत समाज की यही तो महिमा है, शावक संत बने, ना बने तो संतोषी जरूर हो जाता है। और 11वां संदेश, एलोपैथी दवा सेवन करने वालों की उम्र कम होती है, आयुर्वेद की दवा का सेवन करने वाले निरोगी होते हैं, बड़ी से बड़ी महामारी का उपचार आयुर्वेद से आसानी से हो जाता है।